फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज शिवानी एंड आज हम लोग अपना जो कल अभी हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी, उसका ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, अब हमारे दो तीन पॉइंट्स और रह गए जिसको आज हम अपने इस फाइनल वीडियो में कवर करेंगे और ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज अपना फोकस मेंटेन रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टोटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं हमारा करेंट चैप्टर चैप्टर 8 जर्नल चल रहा है जिसमें आज हम समझेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। पॉइंट नंबर 14 कहता है सेट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हमें बताएगा कि हमें जो है जो हमारा इनपुट क्रेडिट हमें अलाउ हुआ है, इनपुट क्रेडिट मतलब कि हमने जो भी सामान परचेज किया है उसपे जो हमने इनपुट जीएसटी का पेमेंट किया, हमने जो जीएसटी का पेमेंट किया वो हमें इनपुट एज ए जो है कंसिडर करा जाता है, तो वो हमें एज ए क्रेडिट अलाउ होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, जो हमारी लायबिलिटी है यानी कि जो सेल पे हमें जीएसटी कलेक्ट करना है यानी कि आउटपुट जीएसटी, उसके अगेंस्ट में हम उसको कैसे यूज करें, कैसे सेट ऑफ करें। ठीक है, ये कहता है जीएसटी पेड इज एन एसेट, मतलब जो भी आपने परचेज किया उसके ऊपर जो जीएसटी पे किया वो आपके लिए एज ए एसेट है। वेयर इनपुट क्रेडिट इज अलाउड, जिसके ऊपर आपको इनपुट क्रेडिट अलाउ होता है। ओके, दस बिफोर द लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर इज डिटरमाइंड इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ फ्रॉम आउटपुट जीएसटी बट इन द प्रेस्क्राइब ऑर्डर। देखिए जो है ये कह रहा है दस बिफोर द लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर इज डिटरमाइंड, मतलब कि टैक्स पेयर की लायबिलिटी डिटरमाइन होने से पहले इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ, जैसे जो भी आउटपुट कलेक्शन हुआ वो जो लायबिलिटी डिटरमाइन हो रही, फाइनल देखेंगे हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर में कितना अब लायबिलिटी बन रही है जो कि रह जा रही है पेमेंट होने के लिए, तो उस जो है वो आप अगर जो बच रही है उसका यूज आप जो है जो आपके पास इनपुट जीएसटी है उससे उसको सेट ऑफ करने के लिए कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि प्रेस्क्राइब ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, मतलब कि ऐसे ही नहीं कि आपके पास इनपुट जीएसटी है और जो आपकी लायबिलिटी बच रही है उससे माइनस कर दिया, नहीं, जो ऑर्डर एक प्रेस्क्राइब है उसी ऑर्डर में ही आपको मेंटेन करना है। अगर उस ऑर्डर में वो सेट ऑफ नहीं हो पा रही है तो आपको उसे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो देखिए ऑर्डर क्या है आपके लिए, पहला ऑर्डर है इनपुट सीजीएसटी का। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी को अगर आपके पास बैलेंस में बच रहा है एज ए क्रेडिट एज ए एसेट तो आपको उसे कैसे सेट ऑफ करना है। दूसरा इनपुट एसजीएसटी अगर आपके अकाउंट में बचा हुआ है वो कैसे सेट ऑफ करना है, और इनपुट आईजीएसटी अगर एज एन एसेट बच रहा है तो उसको कैसे सेट ऑफ करना है। तो पहले देखते हैं इनपुट सीजीएसटी को कैसे सेट ऑफ करते हैं। अगर आपके पास एज एन एसेट इनपुट सीजीएसटी बच रहा है तो आप उसको सेट ऑफ करोगे सेट ऑफ फ्रॉम किससे, आउटपुट सीजीएसटी से। ठीक है, यानी कि इनपुट सीजीएसटी सबसे पहले अपने खुद के ही जो लायबिलिटी है यानी आउटपुट सीजीएसटी है उससे सेट ऑफ होगा, उसके बाद भी अगर वो कुछ बच रहा है फिर आउटपुट आईजीएसटी से उसको सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आउटपुट आईजीएसटी की कोई लायबिलिटी बच रही है और अभी भी आपके पास इनपुट सीजीएसटी बचा हुआ है तो फिर सेकेंड स्टेप में आप उसको वहां से सेट ऑफ करोगे। ठीक है, फिर ये दो स्टेप में सेट ऑफ होना इन दैट ऑर्डर। पहला अगर इनपुट सीजीएसटी तो सबसे पहले आप आउटपुट सीजीएसटी से करो, फिर बच रहा है तो फिर आप आउटपुट आईजीएसटी से करो। उसके बाद ये कह रहा है इनपुट एसजीएसटी को भी हमें जो सेट ऑफ करना है सबसे पहले वो आउटपुट एसजीएसटी मतलब इसी की लायबिलिटी से सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर ये बचता है तो आपको इसको आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करना है। ठीक है, इसमें भी यही दो ऑर्डर मेंटेन है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर इनपुट आपका आईजीएसटी बचा हुआ है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से उसको सबसे पहले सेल्फ की लायबिलिटी से ही सेट ऑफ करना होगा, यानी कि आउटपुट आईजीएसटी से, देन आफ्टर आउटपुट सीजीएसटी यानी कि ये वाले से। अगर इसकी लायबिलिटी बची रह जा रही है तो यहाँ पे आप आउटपुट सीजीएसटी माइनस करने के लिए आपको मिलेगा, दूसरा आउटपुट एसजीएसटी। यहाँ पे यानी तीन स्टेप दे रहे हैं आउटपुट आईजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, इस तीन ऑर्डर में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब इनपुट का सीजीएसटी आउटपुट के एसजीएसटी को नहीं सेट ऑफ करेगा, उसी तरीके से इनपुट का एसजीएसटी आउटपुट के सीजीएसटी को नहीं सेट ऑफ करेगा। ठीक है, ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। अब हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं ताकि हम और इसको ये जो ऑर्डर है उसको कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।
एग्जाम्पल ये कहता है कि एक होम स्टोर है ना, होम स्टोर हैज फॉलोइंग बैलेंसेज इन देयर जीएसटी अकाउंट्स. एक होम स्टोर है जिसके जो है बैलेंसेज बचे हैं जीएसटी अकाउंट में. ठीक है, क्या क्या बैलेंस बचे हैं? सेट ऑफ द इनपुट जीएसटी फ्रॉम आउटपुट जीएसटी इन द प्रेस्क्राइब ऑर्डर एंड डिटरमाइन द अमाउंट पेबल या रिसीवेबल. ये कह रहा है आप सेट ऑफ करो जो भी जीएसटी इनपुट जीएसटी है उसको आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करिए. जो ऑर्डर अभी आपने पहले पढ़ा पॉइंट नंबर 14 में उसी ऑर्डर में, और डिटरमाइन करिए कि अब कितना अमाउंट पेबल है, लाइबिलिटी बन रही है, या फिर कितना अमाउंट उन्हें रिसीवेबल है, मतलब कि उनको रिसीव करना है. ठीक है, कि अमाउंट ड्यू है या फिर रिफंड रिसीव करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इनपुट सी जी एस टी अकाउंट 200,000 रुपए से, यानी कि सी जी एस टी जो हमारे पास क्रेडिट है, इनपुट क्रेडिट अलाउ हुआ है सी जी एस टी के अकाउंट में वो 200,000 है. उसी तरीके से इनपुट एस जी एस टी अकाउंट में भी हमारे पास क्रेडिट बचा हुआ 200,000 रुपए का. फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में हमारे पास जो क्रेडिट बचा है वो है 5,25,000 का. ठीक है, यानी हमारे पास एज एसेट सीजीएसटी है 200,000 और एसजीएसटी है 200,000 और इनपुट आईजीएसटी है 5,25,000. ठीक, तो हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया. देखिए, पर्टिकुलर्स सीजीएसटी का हमने अकाउंट कॉलम बनाया, एसजीएसटी का कॉलम बनाया और आईजीएसटी का बनाया, और जो हमारे पास बैलेंस रह गया है वो हमने इस तरह से अपना कोट कर लिया. देखिए, इनपुट जीएसटी हम लोग हमेशा इनपुट जीएसटी लिखेंगे क्योंकि जीएसटी पूरा फुल नेम है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको हर हेड वाइज में बाइफरकेट कर देंगे. ठीक है, तो इनपुट जीएसटी सी जीएसटी में कितना है? 200,000 रुपए अभी पड़ा. इनपुट जीएसटी एस जीएसटी के अकाउंट में भी 200,000 है, लिख लिया. इनपुट जीएसटी आईजीएसटी के अकाउंट में कितना बचा है? 5,25,000. तो हमने ये तीनों फिल कर लिए. आगे ये कह रहा है, अब लाइबिलिटी ये बता रहा है कि कितनी है. आउटपुट सी जीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो है 3,00,000 रुपए की. आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट में जो लाइबिलिटी है वो है हमारी फिर से 3,00,000 रुपए की, और आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट में जो लाइबिलिटी है वो है 4,00,000 रुपए की. ठीक है, तो हमको जो हमारे पास असेट्स है या अलाउड है या क्रेडिट है उससे हम अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे. ठीक, तो लेस आउटपुट जीएसटी. ठीक है, आउटपुट जीएसटी 3,00,000, 3,00,000 और 4,00,000. देखिए, मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट में ऑर्डर बना लिया, जिससे कि अगर हम भूलें तो हमें हमेशा ये वर्किंग नोट में जो भी ऑर्डर या इस तरह की चीजें बना लेना चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करती है काफी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, छोटा सा मैंने बना लिया. देखिए, इनपुट सी जीएसटी, वो आपका जो सी इनपुट अगर आपके पास सी जीएसटी का बचा है तो वो किससे किससे सेट ऑफ हो पाएगा? आउटपुट सी जीएसटी से और इनपुट के सॉरी आउटपुट के आईजीएसटी, मतलब वो सेल्फ को और आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करेगा. ठीक, तो आउटपुट सीजीएसटी यानी इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ होगा आउटपुट सीजीएसटी से. तो हमने इनपुट का सीजीएसटी को आउटपुट के सीजीएसटी यानी 3,00,000 से सेट ऑफ किया. हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 1,00,000. 1,00,000 निगेटिव में, यानी कि ये अभी हमें कम पड़ रहा है, इनपुट हमारे पास कम पड़ रहा है, हमें अब ये 1,00,000 रुपए अभी और पे करना है ना. लाइबिलिटी है हमारे पास 3,00,000 की और हमारे पास जो रिजर्व में पैसा वो सिर्फ 2,00,000 तक का है, तो 1,00,000 अभी भी हमारे पास बैलेंस ड्यू है जो हमें पे करना है. अब बात करते हैं एसजीएसटी. एसजीएसटी को देखिए हम कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, आउटपुट के एसजीएसटी से और आउटपुट के आईजीएसटी से. ठीक है, तो आउटपुट का जो आईजीएसटी वो है 3,00,000. अगेन यहाँ पे हमें 1,00,000 रुपए की शॉर्टेज पड़ रही है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनपुट 2 का था और जो हमारे आउटपुट की लाइबिलिटी आ रही है वो है 3,00,000 रुपए की. तो 1,00,000 रुपए अभी भी ड्यू है पे करने के लिए. अब हम देखते हैं हमारे पास आईजीएसटी में कितना है. आईजीएसटी में जो इनपुट है वो 5,25,000 है और जो इसकी लाइबिलिटी बची वो है 4,00,000 की. ठीक है, तो हमने इससे सेट ऑफ किया. हमारे पास अभी भी जो बैलेंस यानी पैसा अवेलेबल है वो है 1,25,000 का पैसा बच रहा है. ठीक है, अब देखिए जब 1,25,000 रुपए अभी भी ये क्रेडिट बैलेंस बचा, यानी हमारे पास अभी भी फंड है जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए. अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो इनपुट की आईजीएसटी बचती है तो उसको हम किस किस से सेट ऑफ कर सकते हैं. तो हमने देखा इनपुट की जो आईजीएसटी बचती पहले तो वो आउटपुट के ही आईजीएसटी से सेट ऑफ होगी, जो कि हमने कर ली. दूसरी आउटपुट के सीजीएसटी से. सबसे पहले मतलब आपको आउटपुट का जो सीजीएसटी बच रहा है उससे सेट ऑफ करोगे, उसके बाद भी अगर कुछ बचेगी तो आप आउटपुट के एसजीएसटी को सेट ऑफ करोगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ये हो गया हमारा यहाँ पे बैलेंस 1,00,000 निगेटिव, 1,00,000 निगेटिव और 1,25,000 पॉजिटिव. ओके, सेकेंड स्टेप पे हमें आ गए, यानी हमें जो इनपुट का आईजीएसटी बच रहा है उसको सेट ऑफ करना है सीजीएसटी के आउटपुट से. तो इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी.
ठीक है, 1 लाख हमने सेट ऑफ कर लिया, 1 लाख निगेटिव का था और 1 लाख हमारे पास पैसा पड़ा था, उससे सेट ऑफ कर लिया, यानी अब हमारे पास सीजीएसटी में कोई भी लायबिलिटी नहीं बच रही जो हमें पे करना हो। और यहां से हमने 1 लाख इसलिए माइनस किया कि हमें पता तो चले कि अब हमारे पास इनपुट आईजीएसटी कितना बैलेंस रह जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा अब हमारे पास बैलेंस इसमें निल बचा, इसकी अभी भी लायबिलिटी बची हुई है 1 लाख रुपए की, और ये अब हमारे पास जो क्रेडिट अवेलेबल है वो है सिर्फ 25,000 का। ओके, सेकेंड स्टेप में अब हमसे ये कह रहा है कि हमने फर्स्ट स्टेप में सीजीएसटी को सेट ऑफ कर लिया, सेकेंड स्टेप में हमें एसजीएसटी को सेट ऑफ करना है। तो इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी टू द एक्सटेंट अवेलेबल, मतलब कि उस जगह तक जितना की पैसा आपके पास बैलेंस बचा सिर्फ आप उतने तक ही उसको सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, जैसे लाइबिलिटी तो हमारी 1 लाख की है लेकिन हमारे पास पैसा कहां तक बचा है इनपुट में, वो है सिर्फ 25,000, तो आप सिर्फ 25,000 तक ही सेट ऑफ कर पाओगे। ठीक, तो हमने 25,000 सेट ऑफ कर लिया, अब बैलेंस क्या बच रहा है हमारा एसडी अकाउंट में 75,000। ठीक है, अभी भी ये निगेटिव बैलेंस बच रहा है, यानी कि अब जो ये 75,000 बच रहे हैं ये आपके लिए पेबल है, यानी इसको आपको पे करना, आपने सारा सेट ऑफ यूटिलाइज कर लिया, अब आपके पास कुछ भी सेट ऑफ रिमेनिंग नहीं रह गया है। सीजीएसटी आउटपुट निल हो गया है, एसजीएसटी आउटपुट आपके पास 75,000 का बचा है, और आईजीएसटी में आपका ये भी बैलेंस निल हो गया, तो बैलेंस इन आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट सिर्फ 75,000 बचा, ये आपका पेबल है, यानी आप इसको पे करोगे। ओके, वर्किंग बना ली, तो यहाँ पे हमने अपना पॉइंट नंबर 14 कवर कर लिया है, अब हम आगे के दो पॉइंट्स और हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 15 ये कह रहा है कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ऐसा टैक्स जो है वैल्यू की जब एडिशन हो रही है उस पे वो लग रहा है। कैसे लग रहा है? सिंस इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, क्योंकि आपको जानते हैं इनपुट का जो जीएसटी क्रेडिट होता है वो आप इससे सेट ऑफ कर सकते हैं आउटपुट के जीएसटी से। एज अ रिजल्ट जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज सोल्ड बाय द सेलर, इसी की रिजल्ट की वजह से जो आपका जीएसटी जो चार्ज हो रहा है, मतलब जो आप टैक्स लगा रहे हो, वो केवल इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है प्रोडक्ट की, गुड्स की या फिर सर्विसेज की, उसके ऊपर ही लगा रहे हो। ठीक है, जैसे सेलर ने जो भी बेचा, जैसे मान लीजिए उसने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसके ऊपर जीएसटी लगाया, ठीक, 10% 110 रुपए का हुआ। अब जब ये इसको इसने ये खरीद के आया और 10 रुपए का इसने इस पे क्रेडिट पे किया, लेकिन अब जब ये इसको बेचेगा तो ये हो सकता है कि इसको बढ़ा के प्राइस, यानी 120, क्योंकि कुछ मुनाफा खुद भी कमाएगा, तो हो सकता है कि इसको 120 रुपए में बेचे। ठीक है, तो यानी वैल्यू बढ़ गई ना, 100 से 120 हो गई, तो जो जीएसटी चार्ज होगा वो आपकी बढ़ी हुई वैल्यू पे चार्ज होगा, उसी की ये पॉइंट कह रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू एलोबरेट किया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल मैं रीड कर देती हूँ एक बार, देखिए ये कह रहा है कि वरुण एंटरप्राइजेस परचेज 100 व्हाइट बोर्ड्स, ठीक है, 100 व्हाइट बोर्ड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12% फ्रॉम क्लासमेट्स, मतलब इन्होंने क्लासमेट से 100 व्हाइट बोर्ड्स खरीदे जो कि 1 लाख रुपए का था, उसपे इन्होंने आईजीएसटी एट द रेट 12% पे किया, यानी कि ये इन्होंने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया, यानी आउटसाइड द स्टेट खरीदा है। ओके, फिर ये कह रहे हैं इट विल पे रुपीज 1,12,000 टू द सेलर ऑफ गुड्स, यानी कि 1 लाख का था मगर इन्होंने पेमेंट कितना किया, 1,12,000, क्यों, क्योंकि 12,000 जो एक्स्ट्रा पेड किए वो है जीएसटी के, आईजीएसटी पे किया है, आउट ऑफ विच ₹12,000 टूवर्ड्स आईजीएसटी। ओके, सेकेंड लाइन, मतलब सेकेंड पैरा इसका बोल रहा है वरुण एंटरप्राइजेस फर्दर सेल्स दीज व्हाइट बोर्ड्स टू आकाश सेल्स फॉर ₹1,50,000। अब फाइनली, मतलब पहले उन्होंने खरीदा, अब ये आकाश सेल्स को जो है, आकाश सेल्स प्रॉपर नाम है, ठीक है, आकाश सेल्स ये नहीं कि आकाश सेल कर रहा, नहीं, आकाश सेल्स उसकी शॉप का नाम है। वरुण एंटरप्राइजेस ने अब इसको आकाश सेल्स को 1.5 लाख रुपए में बेचा है, इस पे इन्होंने 12% से आईजीएसटी चार्ज किया है। ठीक है, यानी कि ये जो आकाश सेल्स है ये भी इंटर स्टेट सेल को शो कर रहे हैं, यानी कि ये भी स्टेट के बाहर ही है, आउटसाइड द स्टेट। ठीक, वरुण एंटरप्राइजेस विल कलेक्ट ₹1,68,000, यानी कि 1.5 लाख का सामान था, उसपे इन्होंने 1,68,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न किए, यानी ये इस पे इन्होंने आईजीएसटी 18,000 का एक्स्ट्रा अर्न किया।
which includes 18,000 as IGST. Okay, it will become liable to deposit rupees 6,000 into government account. अब 18,000 इन्होंने collection किया और इन्होंने कितना खुद pay किया था, वो था 12,000. तो 12,000 में से 18,000 तक आप से मतलब 18,000 की liability उसमें से 12 तक आप minus करोगे तो 6,000 की liability अभी भी remaining है जो आपको government account में pay करनी है. ठीक है, वही कह रहे हैं कि रुपीज 6,000 इंटू गवर्नमेंट अकाउंट आफ्टर सेटिंग ऑफ रुपीज 12,000 बीइंग आईजीएसटी पेड ऑन परचेजेस. ओके, फिर ये कह रहे हैं जो अभी सेकंड वाला पर्सन जो कि आकाश सेल्स था, जिसने अभी खरीदा था 1,68,000 में, अब वो सेल कर रहा है इन्हीं व्हाइट बोर्ड को फाइनली कस्टमर्स को. ओके, एट द रेट रुपीज 2,000 ईच, यानी कि उसने 100 व्हाइट बोर्ड 2,000 रुपए में बेचे हैं. आकाश सेल्स विल कलेक्ट जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी. यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि आकाश सेल ने अब पैसा कलेक्ट किया है किस किस फॉर्म में, सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में या फिर आईजीएसटी के फॉर्म में, यानी कि कुछ बोर्ड इन्होंने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया यानी आउटसाइड द स्टेट, और कुछ बोर्ड इन्होंने विद इन द स्टेट यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन किया है. ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों ही चार्ज कर रहे हैं ऑफ रुपीज 24,000, यानी जो 24,000 की जीएसटी कलेक्ट हुई है उसमें से कुछ विद इन स्टेट है, कुछ आउटसाइड स्टेट कलेक्शन हुआ है. एंड आफ्टर सेटिंग ऑफ रुपीज 18,000 पे बैलेंस इन द गवर्नमेंट अकाउंट. और ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने 18,000 का वरुण एंटरप्राइजेस को बेच के पे किया था वो इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, जो इनके पास बैलेंस बचा है जो है 24,000 का. ठीक है, तो दस जीएसटी इज चार्ज ऑन वैल्यू एडेड ऑन ईच सेल. इसीलिए इनका ये कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज हो रही है वो बढ़ी हुई वैल्यू पे चार्ज हो रही है. आगे ये कह रहे हैं कि इसमें जो रेट लिया गया जीएसटी का वो है 12%. ठीक, अब चलिए देखते हैं इसमें कैसे इन्होंने खुद तो सॉल्व भी कर दिया बट एक चार्ट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है. पर्टिकुलर्स, बिल अमाउंट यानी कि क्या बिल हुआ है वो अमाउंट, फिर वैल्यू एडिशन कि कितना वैल्यू का बढ़ोतरी हुई है या एडिशन किया गया, फिर जीएसटी कितना चार्ज किया है, फिर एक जीएसटी सेट ऑफ, आपको जीएसटी जो सेट ऑफ करने को मिली, फिर है जीएसटी डिपॉजिटेड कि मतलब अब फाइनली जो चार्ज है उससे सेट ऑफ करने के बाद जो बच रहा है वो कितना डिपॉजिटेड करना है. ठीक, सबसे पहले क्लासमेट ने बेचा है किसको, वरुण एंटरप्राइजेस को. ठीक, तो क्लासमेट सोल्ड 100 व्हाइट बोर्ड टू वरुण एंटरप्राइजेस एट द रेट रुपीज 1,000 ईच प्लस आईजीएसटी. ठीक है, तो 1,000 रुपए 100 यानी कि 1,00,000 की अमाउंट हो गई बिल की अमाउंट. ठीक, वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं है तो पूरा अमाउंट आ गया 1,00,000. उसके बाद इस पे आईजीएसटी चार्ज किया हमें क्वेश्चन में गिवन है 12%, तो इसे 1,00,000 पे हमने एट द रेट 12% लगाया तो हमारा जो जीएसटी चार्ज हो गया है वह है 12,000. ठीक, अब ये जो 12,000 इन्होंने पे किया है कि क्या सेट ऑफ कुछ कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट वाला है, यहाँ पे इनके पास कुछ भी इनपुट नहीं है तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ नहीं होगा. तो जो 12,000 इन्होंने चार्ज किए वो 12,000 इनको पूरे पूरे डिपॉजिट करने होंगे, यानी ए माइनस बी 12,000 माइनस में 12,000 हो गया. ओके, यानी वरुण एंटरप्राइजेस 12,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे. ठीक, या फिर ये कह सकते हैं कि ये इनके पास ये क्रेडिट अवेलेबल है. उसके बाद अब वरुण एंटरप्राइजेस इसको फर्दर सेल कर रहे हैं किसको, आकाश सेल्स को. वरुण एंटरप्राइजेस सोल्ड दीज 100 व्हाइट बोर्ड्स टू आकाश सेल्स एट द रेट रुपीज 1,500 प्लस आईजीएसटी. ठीक है, अब वरुण जो है आकाश को बेच रहे हैं, ठीक, 1,500 रुपए के अकॉर्डिंग, तो 1,500 रुपए के अकॉर्डिंग 100 व्हाइट बोर्ड हो गए तो 1,50,000 रुपए आपका बिल अमाउंट आ गया. वैल्यू का एडिशन देखिए कितना हुआ है, पहले 1,00,000 का था ये व्हाइट बोर्ड जब इन्होंने खुद खरीदा, अब जब ये बेच रहे थे ये 1,50,000 में, यानी कि कितना वैल्यू एडिशन हुई 50,000 से, है ना, 50,000 से वैल्यू एडिशन हो गया. ओके, अब इस पे आईजीएसटी कितना चार्ज है, 12%. ठीक, तो 12% आप निकालोगे वैल्यू जो एडिशन हुआ है उस पे. एक सेकेंड, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमने देखा बिल अमाउंट हो गया हमारा 1,50,000 का, वैल्यू कितना एडिशन में 50,000. अब जो जीएसटी आप चार्ज करोगे वो बिल अमाउंट पे, हमेशा हम लोग बिल अमाउंट पे ही तो चार्ज करते हैं, तो एट द रेट 12% आप 1,50,000 का 12% जब निकालोगे तो आएगा आपका 18,000. ओके, अब जीएसटी से ये सेट ऑफ कितना कर सकते, सेट ऑफ कौन करेगा, वरुण एंटरप्राइजेस. ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने कलेक्ट किया और इनके पास एज ए इनपुट कितना है जो इन्होंने पे किया, इन्होंने पे कितना किया 12,000. ओके, तो ये इससे यहाँ पे सेट ऑफ कर पा रहे हैं. ठीक, ये इनके लिए इनपुट हो गया, तो 18,000 में से जो सेट ऑफ किया 12,000, अब इनको कितना डिपॉजिट करना हो गया, 6,000 रुपए डिपॉजिट, ए माइनस बी. ठीक है, 6,000 रुपए
इन्होंने डिपॉजिट करना है। अब फिर ये कह रहा है अभी तो यहाँ आकाश सेल्स ने परचेज किया, अब ये आकाश सेल्स जो है कस्टमर यानी फाइनली कंज्यूमर के अपने पास जा रहा है, तो अब ये आकाश सेल बेच रहे हैं यही 100 बोर्ड्स कस्टमर को एट द रेट 2000, ठीक है। इन्होंने 2000 रुपए के अकॉर्डिंग बेचा है और इसके ऊपर जीएसटी लगाया है, तो दो लाख हो गया, 2000 बोर्ड्स 2 लाख हो गया। यहाँ पे कितना वैल्यू का एडिशन हुआ है, देखिए 1.5 लाख था, इनके लिए तो 1.5 ही लाख था, 1.5 से 2 किया यानी कि 50,000 यहाँ पे भी वैल्यू एडिशन हो गया। अब इस पे आप 12% से जीएसटी, चाहे तो आप आईजीएसटी लगा लो या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लो, ठीक है। अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते तो उस रेट का हाफ यानी कि 6% लगेगा, ठीक है। तो हमारा आईजीएसटी यहाँ पे लगा है तो 24,000 2 लाख का 12% हो गया आपका 24,000 जीएसटी चार्ज, ठीक। इनके लिए कितना इनके पास इनपुट अवेलेबल है, वो है 18,000 का, क्योंकि ये 18,000 रुपए इन्होंने पे किया है ना आकाश सेल्स ने वरुण एंटरप्राइजेस को, तो ये इनके लिए इनपुट क्रेडिट अलाउ है, ओके। तो ये कितना सेट ऑफ कर पाएंगे, ए माइनस भी 18,000, 24,000 में से 18,000 माइनस करिए यानी 6,000 इनको अभी डिपॉजिट करना है, ओके। तो फाइनल जो सेल वैल्यू निकल के आई और जीएसटी, फाइनल सेल वैल्यू आ गई आपकी 2 लाख रुपए और जो जीएसटी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 12,6,6 यानी कि 24,000 रुपए, यानी जीएसटी जो डिपॉजिट होगा गवर्नमेंट के अकाउंट में वो होगा 24,000 और जो सेल होके आएगी कंज्यूमर के पास अल्टीमेटली वो जाएगी आपकी 2 लाख रुपए से, ठीक है। तो देख लीजिए ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एग्जाम्पल है। और अगर आपको कुछ डाउट है आप इसको एक बार रिपीट करके देखिए, फिर से फोकस करिए, ये समझ में आ जाएगा। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, पॉइंट नंबर 16, एक बार उसको भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 16 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट रजिस्टर, यानी कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन है, यानी कि इसका रिकॉर्ड आप ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। ये रजिस्टर क्या होता है इसके देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट रजिस्टर इज अ गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, ठीक है, अंडर सीजीएसटी एससीएसटी एंड आईजीएसटी। मतलब ये एक तरह से गवर्नमेंट रिकॉर्ड है किस चीज का, ट्रांजेक्शन का, और ये ट्रांजेक्शन कौन से हैं, उन टैक्स पेयर के जो कि रजिस्टर्ड हैं कहाँ पे, अंडर सीजीएसटी में एसजीएसटी में और आईजीएसटी में। मतलब ये उन सारे टैक्स रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का रिकॉर्ड है जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट रजिस्टर एक उन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है जिसमें रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की सारी डिटेल है और वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कहाँ पे रजिस्टर्ड है, सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। आगे बोलना है इन द रजिस्टर जीएसटी पेड और डिपॉजिटेड इज क्रेडिटेड। इस रजिस्टर में जो बनता है स्टेटमेंट उसमें ये जो शो होता है वो ये होता है जीएसटी पेड और जो डिपॉजिट है वो क्रेडिट होता है और जीएसटी कलेक्टेड इज डेबिटेड इन द टैक्स पेयर अकाउंट। और मतलब कि जो रिकॉर्ड, जैसे देखिए मैंने प्रोफॉर्मा एक अपनी अंडरस्टैंडिंग का वर्डिंग बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट रजिस्टर में एक डेबिट साइड हो गया, एक क्रेडिट साइड हो गया। तो जो भी आपने जीएसटी पे किया है, पे करने का मतलब आपने जब भी सामान खरीदा होगा तभी तो आप उसमें पे करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, उसको आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। जीएसटी पेड और डिपॉजिटेड इज क्रेडिटेड, ठीक। तो इनपुट जीएसटी मैंने क्रेडिट कर लिया, इनपुट जीएसटी में आपके तीनों हो सकते हैं, सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी और आईजीएसटी, आपने फर्दर इस अमाउंट से आपके क्रेडिट कर लिया जाएगा, है ना, पार्टी के नेम या फिर जिस भी नाम से, क्योंकि तभी आप स्टेटमेंट जब निकालोगे तो आपके नाम से निकल के आएगा। ये चीज आपने डिपॉजिट किया तो ये क्रेडिट साइड में शो होगा। दूसरा कह रहे हैं जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया यानी कि जो आपने सेल किया है ना, जो सेल करते हैं उसी पे तो हम लोग कलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी को आपको डेबिट करना है, आउटपुट जीएसटी यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी होगा आपका वो यहाँ पे इस तरीके से डेबिट के फॉर्म में शो होगा, ठीक है। मतलब टैक्स पेयर के अकाउंट में, ठीक है, इस रजिस्टर में टैक्स पेयर का नाम होगा और उसका डिटेल होगा कि उसकी इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं टैक्स पेयर कैन ड्रॉ स्टेटमेंट, वो अपना स्टेटमेंट भी निकाल सकता है ऑफ हिज अकाउंट एंड रिकनसाइल इट विथ हिज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, और उसके बाद वो अपना रिकनसाइल कर सकता है जो उसके पास रिकॉर्ड है, मतलब जो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है परचेज का, सेल का, जीएसटी का, उससे वो टैली कर सकता है ये वेरीफाई करने के लिए वेदर ही हैज बीन करेक्टली ग्रांटेड क्रेडिट फॉर द जीएसटी पेड एंड डेबिट फॉर द जीएसटी कलेक्टेड।
ठीक है, वो ये वेरीफाई करेगा कि उसको सही क्रेडिट ग्रांट किया गया है जो उसने पे किया है ना, और सही डेबिट हुआ है जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया, यानी कि जो भी उसने परचेज करी उस पे जो भी उसने पे किया जीएसटी का, यानी कि इनपुट्स आपकी वो एकदम करेक्टली दिखाई गई है, यानी ये साइड आपका करेक्टली दिखाया गया है अपने अकाउंट से, वो मैच करेगा, रिकनसाइल करेगा। दूसरा, जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया यानी कि जो सेल किया आउटपुट जीएसटी है जो डेबिट हुई, वो क्या सही डेबिट हुई है, वो अपने अकाउंट से इसको भी रिकनसाइल करेगा ये वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तभी अकाउंट आपका मैच हो पाएगा। तो आई होप सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपना पॉइंट नंबर 16 कवर कर लिया है। आई होप सो, क्या आई होप सो का मतलब है कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, तभी आपको अपकमिंग टॉपिक्स पता चल पाएंगे, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।